हेलो एवरीवन, मैं अनुभवी सिंह। आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अनुभवी क्लासेस में। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का, और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कम्प्लीट कर चुके थे। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए स्क्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, बी स्क्वल टू 3, 4, 5, 6, सी स्क्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड डी स्क्वल टू 7, 8, 9, 10। फाइन, अब इसमें क्या पूछा है? ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी क्या होता है? यूनियन क्या होता है? अगर हम लोग उसको हिंदी में समझना चाहे तो सबको एक साथ, यानी कि हम लोग को कोई दो सेट दिए गए हैं या तीन दिए गए हैं या हम लोग को जितना भी दिया जाए, अगर उनके बीच में यू का सिंबल आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो यूनियन है। यू का सिंबल यूनियन के लिए डिनोट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि सबको एक साथ, यानी कि जितने भी उसमें एलिमेंट्स उन सारे सेट्स में होंगे सबको एक ही ब्रैकेट में या एक ही सेट में बनाकर लिखेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 का, ए यूनियन बी, यानी कि इसमें क्या लिखना है? सेट ए का यूज करना है और सेट बी का यूज करना है, और क्या करना है? इन लोग का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ, यानी कि सारे जितने भी ब्रैकेट्स हैं उन सबको एक ही ब्रैकेट में सारे एलिमेंट को लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। सेट ए में क्या है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब सेट बी में क्या है? क्योंकि यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि सबको एक साथ लिखना है, यानी कि अब सेट बी में देखते हैं 3, 4, 5, 6। अब इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग कोई सेट लिखते हैं और उसमें एक ही एलिमेंट दो बार आए, तीन बार आए, या कोई लेटर हो या कोई नंबर हो या कुछ भी हो, अगर वो एक से ज्यादा बार आता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो जो 3 है वो इसमें भी था और इसमें भी था तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। 4 जो था वो इसमें भी था और इसमें भी था तो एक बार लिखेंगे। उसके बाद 5 जो है वो इसमें नहीं था तो हम लोग 5 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का? ए यूनियन बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी हो गया, यानी कि हम लोग को किसका यूज करना है? सेट ए का और सेट सी का। तो अब इसको हम लोग यूनियन का मतलब क्या होता है हम लोग अभी जाने हैं कि यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ, यानी जितने भी सेट्स हैं उनके जितने एलिमेंट्स हैं सबको एक ही सेट में बनाकर लिखना है, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो सेट ए का पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद सेट सी का आते हैं 5, 6, 7, 8। तो ये क्या हो गया हम लोग का? यूनियन बन गया। तो अब यूनियन का मतलब तो हम लोग जान चुके हैं कि उसको किससे डिनोट करते हैं? यू से करते हैं, और उसका मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट्स को एक ही ब्रैकेट में एक साथ लिखना है। तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बी यूनियन सी, यानी कि हम लोग को किसका यूज करना है? बी सेट का यूज करना है और सी का यूज करना है, यानी कि ब्रैकेट बनाते हैं पहले। फिर सेट बी में क्या है? 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे सेट बी का पहले लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6। अब सेट बी का देखते हैं, इसमें 5 था पहले से, इसमें भी था 5 और इसमें भी था तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। 6 इसमें था, इसमें भी था तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर 7, 8 इसमें नहीं है तो अब इसको तो लिखना ही पड़ेगा, तो 7, 8। कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ जाए तो हम लोग को उस ब्रैकेट में सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बी यूनियन डी, यानी कि सेट बी का यूज करना है और सेट डी का यूज करना है, यानी कि सेट बी में क्या है? 3, 4, 5, 6। तो इसमें लिखे 3, 4, 5, 6। अब सेट डी में देखे तो 7, 8, 9, 10। ये हम लोग का क्या हो गया? बी यूनियन डी। अब आगे बढ़ते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले हम लोग को क्या करना है? ए यूनियन बी बनाना है। तो अब ए यूनियन बी के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? सेट ए का और सेट बी का। तो यहाँ पे बनाते हैं ए यूनियन बी। पहले एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ए में क्या था? 1 से लेके 4 तक के, और बी में क्या था? 3 से लेके 6 तक के। तो 1 से लेके 4 तक के लिखने हैं 1, 2, 3, 4, और उसमें क्या था? 3 से लेकर 6 तक के थे, यानी कि 3 पहले से था, 4 भी उसमें होगा, तो 5, 6।
ये क्या बन गया हम लोग का, ए यूनियन बी बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, बी यूनियन सी बनाना है। और इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें यूनियन सी को जोड़ देते हैं। हम लोग का पहले ए यूनियन बी बन गया, फिर उसके बाद ये एक अलग सेट बन गया। मान लेते हैं कि हम लोग का एक अलग सेट बन गया, तो अब उसमें क्या करना है, हम लोग को सी को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन। तो हम लोग क्या किए कि सेट ए में जो था, पहले बात इसमें क्या है, सेट ए और बी के बीच में क्या है, यूनियन है। तो अब क्या किए, सेट ए और बी को जोड़ देंगे, यानी यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ। तो सेट ए और बी को हम लोग जोड़ दिए, तो अब ये हो गया, ए के साथ बी जोड़ दिए, अब इन बी के साथ हम लोग को सी भी जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले ये वाला सेट हम लोग लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सेट सी को जोड़ना है, तो अब सेट सी में देखते क्या है, 5 6 7 8। 5 पहले से है, 6 पहले से है, तो 7 और 8, यानी क्या हो गया ये हम लोग का, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप पहले इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें कैसे होता है ये। ए में क्या करना है, पहले बी को जोड़ना है, जोड़ लिए, फिर बी को क्या करना है, बी में सी को जोड़ना है, तो उसे हमने यहाँ पे जोड़ लिए। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले क्या करना है, ए में बी को जोड़ना है, यानी कि ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी में हमने यहाँ पे पहले से निकाले थे, इसको वहीं लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, ए के साथ बी जोड़ लिए, अब बचा डी, अब डी को भी जोड़ना है, यानी कि यहाँ पे यूनियन लगा दो और डी लगा दो, और यहाँ लिख लो ए यूनियन बी यूनियन डी स्क्वायर टू ब्रैकेट बना लेते हैं। पहले ये सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉमा। अब डी में देखते हैं, डी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है 7 8 9 10। जिससे 7 8 9 10 नहीं है, तो 7 8 9 10 लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बी में सी को जोड़ना है। अभी इतना बड़ा जो हम लोग को इतना सारा चाहे जितना दे दिया जाए, तो हम लोग उसको देख के तो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए हम लोग को पहली बार। तो हम लोग को क्या करना है, इसको आधे आधे टुकड़े में हम लोग बांट लेते हैं, जो हम लोग को ज्यादा आसान लगे। तो क्या करेंगे, पहले बी को हम लोग सी के साथ जोड़ेंगे। तो पहले हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेते हैं ब्रैकेट। अब बी में क्या है, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 ये हम लोग का हो गया, बी का हो गया, सॉरी यहाँ पे गलती से ब्रैकेट लग गया, कॉमा। अब यहाँ पे जो सी है हम लोग का क्या है, 5 6 7 8। तो 5 पहले से था, 6 भी है, 7 8, ये हो गया हम लोग का बी यूनियन सी। अब इसमें हम लोग को क्या जोड़ना है, पहले बी के साथ हम लोग सी जोड़े, काम खत्म। सी के साथ अब हम लोग को क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। तो अब डी में क्या है, 7 8 9 10, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं यूनियन डी इक्वल टू बी यूनियन सी यूनियन डी। अब ब्रैकेट बनाते हैं, 3 4 5 6 7 8। अब सेट डी में देखते हैं, 7 8 9 10, तो 7 है, 8 है, 9 10। तो हम लोग का ये क्या बन गया, बी यूनियन सी यूनियन डी, 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग का क्या बन गया, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि इसमें हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है और उन पेयरों का जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, उन सारे चीजों का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को क्या पूछा था, यूनियन निकालना। तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों को अब हम लोग को वापस लिखना है और क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब यूनियन नहीं निकालना है, अब इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब आगे देखते हैं कि हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पे हम पहले से लिखे हुए हैं क्वेश्चन फर्स्ट के सारे क्वेश्चन, अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात हम लोग जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू।
अब यू का सिंबल तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे रहता है, तो अब उसको क्या करना है, उल्टा यू करना है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया कि उल्टा यू हम लोग को बनाना है। और उसके बाद अब इसको अगर हम लोग हिंदी में समझना चाहे तो क्या होगा कि सारे जितने भी सेट्स दिए हुए हैं उसमें अगर जो एलिमेंट्स एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, जानते हैं ना जैसे जुड़वा लोग दिखते हैं वैसे ही, तो उसमें जो सेम टू सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में दिखेंगे उन लोग को अलग निकाल के रख देना है। तो क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक जैसे वाले अलग कर देने हैं। क्या करना है, एक जैसे वालों को अलग कर देना है। तो क्या करेंगे, पहले x, अब इंटरसेक्शन का सिंबल क्या था, उल्टा u, तो बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल लगा उल्टा u, और फिर y इक्वल टू, अब एक ब्रैकेट बनाते हैं और अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन एक जैसे दिख रहे हैं दोनों सेट्स में, और उन लोगों को क्या करना है, एक अलग ब्रैकेट में अलग बाहर निकाल देना है। तो वन इसमें है, वन इसमें है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन। थ्री इसमें है, इसमें थ्री है, हाँ है, तो थ्री यहाँ लिखिए। फाइव है इसमें, इसमें फाइव है, नहीं है। इसमें टू है, क्या इसमें टू है, नहीं है। यानी कि वन कॉमा थ्री जो है एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये लोग इसको, इन लोगों को निकाल दिए बाहर। क्या किए, ये दोनों लोग मिल्क प्लान बनाए, जो एक जैसे दिख रहे हैं उन लोगों को क्या किया, बाहर निकाल दिए। तो क्या कर दिए, वन कॉमा थ्री को बाहर निकाल दिए एक अलग ब्रैकेट में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू, और उसका हिंदी में अगर समझना चाहे तो एक जैसे सारे एलिमेंट जो होते हैं उनको अलग निकाल देना। तो सेट ए स्क्वायर टू क्या है, ब्रैकेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, यानी ए ई आई ओ यू वॉवेल्स। और सेट बी में क्या है, ए बी सी, बस इतना ही है। तो अब इसमें हम लोग को क्या देखना है कि जो एलिमेंट्स एक जैसे दिख रहे हैं उन लोग को एक सेट में या एक ब्रैकेट में लिखकर अलग बाहर निकाल दो। तो ये दोनों ने प्लान बनाया, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का क्या होता है सिंबल, उल्टा यू। तो लोगों ने प्लान बनाया, तो जो ए था वो सेट बी में था, ई इसमें है नहीं है, आई है नहीं है, ओ है नहीं है, यू है नहीं है, इसमें बी है इसमें है कहीं नहीं है, सी है इसमें है कहीं नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग कि सिर्फ ए मिला है तो ए को बाहर निकाल दिए। इन दोनों ने प्लान बनाया कि जो हम लोग के ग्रुप में जो जो एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं उन लोग को पकड़ो और एक ब्रैकेट में भरो और बाहर निकाल दो। तो जो ए था वो इन दोनों में था, और कोई एलिमेंट इन दोनों में नहीं थे सेम टू सेम, और बाकी सब अलग अलग थे। तो क्या किए, सिर्फ एक ए जो है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिखे, एक अलग सेट बनाए और उसे बाहर निकाल दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए स्क्वायर टू ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। तो इसका पहले हम लोग सेट बना लेते हैं। इसमें क्या कहा है, जो नेचुरल जो एक्स की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और दूसरी वो थ्री का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है, वन से लेकर शुरू इनफाइनाइट तक के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने नंबर्स हैं, और वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्या हो गया, हम लोग का नेचुरल नंबर हो गया। और दूसरा नंबर इसमें क्या बोला गया है कि ये मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए, यानी कि थ्री का टेबल हम लोग पढ़ सकते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स या नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, एटीन, ट्वेंटी वन, ये सारे हम लोग को लिखना है। तो इन लोग का सेट बना लेते हैं, थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, 15, 18, 21... हम लोग का सेट ए तैयार हो गया। अब सेट बी में देखते हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर तो अभी हम लोग बोले कि 1 से लेके स्टार्ट होना चाहिए, इसमें 0 नहीं रहना चाहिए, 1 से लेके बस स्टार्ट होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 चाहे जहां तक का इनफाइनाइट नंबर, जहां तक हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, तो 1 से बस शुरू होना चाहिए। तो वो सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। तो इसमें क्या बोला है कि जो हम लोग को x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर है उनको कहां तक लिखना है, 6 से कम लिखना है। तो b लिखे इक्वल टू ब्रैकेट बनाए 6 से कम, 6 से छोटा क्या होता है, 5 होता है, 5 से छोटा होता है 4, 3, 2 और 1। 0 तो लिख नहीं सकते, अगर 0 लिखेंगे तो वो नेचुरल नंबर से हटके होल नंबर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 ही तक लिखेंगे। तो हम लोग का ये सेट बन गया। अब इसमें हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि प्लान बनाओ और जो हम लोग के ग्रुप में एक दूसरे के जैसे मैच कर रहे हैं उन लोग को धक्के मार के बाहर निकाल दो दूसरे ब्रैकेट में भरकर। तो ए
इंटरसेक्शन का सिंबल क्या, इंटरसेक्शन का सिंबल हम अभी बताए थे तो क्या होता है उल्टा यू, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ब्रैकेट। अब इसमें जो 3 है वो यहाँ पर है, 6 है इसमें नहीं है, 9 है नहीं है, 12 है नहीं है, 15 है नहीं है। अब आगे क्योंकि इसमें बस यहीं तक का है और इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आने वाले हैं जो कि इसमें नहीं होने वाले हैं, तो जो 3 है वो हम लोग का है सेम टू सेम। तो 3 हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे पहले। अब देखते हैं 1 है इसमें कहीं, नहीं है। 2 है नहीं है, क्या आगे आएगा, नहीं आएगा। 4 है नहीं है, 5 है नहीं है। यानी कि इन दोनों सारे सेट्स में इन लोगों ने प्लान बनाया था, जो उसमें जो देखे ये लोग तो बस एक 3 ही ऐसा था जो ए में भी था और बी में भी था। तो उन लोगों ने क्या किया, उसे एक अलग ब्रैकेट में डाला उसे और एक अलग सेट बनाया और कहा कि अब यहाँ से जाओ। तो क्या हो गया, सेट ए हम लोग का जो अलग ब्रैकेट में हो गया, 3 बस एक कॉमन निकला था तो हमने 3 को उस ब्रैकेट में डाले, एक अलग सेट निकाले और उसको क्या किए बाहर निकाल दिए। तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ब्रैकेट 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल 6। यानी कि पहले एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, पहली बात एक लिख लेते हैं ए इक्वल टू ब्रैकेट। अब यहाँ देखते हैं कि जो x है हम लोग का, x का जो वैल्यू हम लोग रखेंगे वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट के सारे नंबर्स, और जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, और वो पॉजिटिव होने चाहिए। और इसमें जो एक और लिमिट हम लोग को दिया है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 1 से तो बड़ा 2 ही होता है। और क्या इसमें डिमांड है इसकी, कि 6 के बराबर होनी चाहिए या फिर 6 से छोटी होनी चाहिए। तो 6 के बराबर यानी हम लोग 6 लिख सकते हैं, यहाँ 6 लिख लिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, 5, 4, 3 ये आ गया हम लोग का क्या, सेट ए आ गया। अब सेट बी में देखते हैं, x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। यानी कि इसमें जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। पहले b लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं। अब 6 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 7, तो 7 लिखे, फिर 7 से बड़ा होता है 8, 8 से बड़ा होता है 9, लेकिन जो 9 है वो 10 से छोटा होता है। अगर 10 लिखेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, इस डिमांड के हम लोग एक मतलब अपोजिट जा रहे हैं, उसके विरोध कर रहे हैं कि नहीं हम लोग को ये नहीं करना है, हम लोग को 10 नहीं करना। तो हम लोग क्या करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 10 से छोटा नंबर यानी 10 से छोटा तो 9 होता है, तो बस 9 तक लिखेंगे। तो अब इसको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब ब्रैकेट बनाते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, देखना है हम लोग को कि इसमें कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो 2 जो है वो इसमें कहीं है, नहीं है। 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 6 है नहीं है। अब क्या 7 इसमें है, नहीं है। 8 है नहीं है, 9 है नहीं है। यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। तो जब कोई भी एलिमेंट किसी सेट में नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फाई करते हैं। तो फाई का सिंबल क्या होता है, एक 0 बना और उसे बीच से काट दो। तो फाई हम लोग कब लिखते हैं, जब उस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स है और सेट बी में जितने एलिमेंट्स है वो क्या एक दूसरे में मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यानी कि इन लोग का जो प्लान ये लोग बनाए थे वो फ्लॉप हो गया, यानी कि इन लोग में कोई भी कॉमन नहीं मिला, कोई एक जैसा दिखने वाला नहीं मिला। तो ये लोग क्या कहे कि चलो बस लिख देते हैं फाई। फाई का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट एकदम मतलब वो सेट जो है एकदम खाली है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेट ए इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज और बी इक्वल टू 5। अब 5 का मतलब अभी बताए थे कि उस सेट में जो है कोई एलिमेंट एकदम वो पूरा खाली है, तो क्या कहेंगे कि वो 5 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उल्टा यू, बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू। अब देखो ये एलिमेंट तो पहले से ही खाली है, ये सेट जो है वो पूरा पहले से ही खाली है, तभी तो यहाँ पे 5 का सिंबल लगा है। और जो सेट ए है वो क्या है, 1, 2, 3 से फिल है। तो जो 1, 2, 3 है क्या इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ये भी जो है वो भी कोई सेट नहीं बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे, 5।
तो थैंक यू गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राधे राधे दोस्तों।